अस्सलामु अलैकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। हे गाइस, अस्सलामु अलैकुम, आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी ईद मुबारक। अल्लाह की बरकतें आपके रास्ते को रोशन करे, ये ईद आपको आपके खानदान के करीब लाए। इस खुशी के मौके पर आप और आपके अजीजों को ईद मुबारक। तो गाइस, अभी हम जाएंगे ईद नमाज पढ़ने। हमें जाना है यहाँ से दावर यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अभी हम निकल चुके हैं अपनी मंजिल की तरफ, तो फिलहाल चलते हैं। आप व्लॉग में बने रहिए। तो गाइस, फाइनली अभी मैं पहुंच चुका हूँ दावर पे। आपको मेरी आवाज़ इस वक्त नहीं आ रही होगी क्योंकि इस वक्त यहाँ पर शोर ज़्यादा है। तो अभी हमें ईद नमाज यहीं पर पढ़नी है, जामिया मस्जिद में। आप देख सकते हो, ये रही हमारी जामिया मस्जिद। इस वक्त आप देख सकते हो मार्केट में कुछ ऐसा व्यू है, नज़ारा देखने को मिलेगा। तो अभी चलते हैं, पहले ईद नमाज पढ़ते, उसके बाद मिलते हैं। ये देखे कुछ ऐसा नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हो। तो चलते पहले जामिया मस्जिद पे, अभी यहाँ नमाज पढ़ी गई, उसके बाद मिलते हैं। दोस्तों, फर्स्ट फ्लोर जो है ना वो फुल हो चुका है, अभी हमें जाना है सेकंड फ्लोर में। Thank you.
अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद पहले चलते हैं रॉयल स्वीट्स कुछ खा लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं घर, फिलहाल कुछ लेते हैं यहाँ से। फिलहाल चलते घर निकलते हैं अभी। A few minutes later. Finally, अभी मैं घर पे पहुंच चुका हूँ। अभी 1:28 हो चुके हैं, नमाज का वक्त भी हो चुका है। पहले चलते मस्जिद शरीफ नमाज पढ़ते, उसके बाद मिलते। पहले नमाज पढ़ते, उसके बाद मिलते। A few minutes later. मैं दिखाऊंगा आपको पटाखा कैसे जलाते हैं, हाथ ऐसे रखना पड़ता है, कोई भी ट्राई ना करे, ये आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है।